न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते गुड मॉर्निंग सुपर फास्ट सुबह की कुछ खास कुछ हल्की फुल्की खबरें जिसको सुनकर आपका दिन बन जाए। आर्यन केस में पॉलिटिक्स हो गई अब शुरू। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष पटोले ने कहा, समीर वानखेड़े पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। आर्यन केस में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इस बारे में कटाक्ष करते हुए कहा है कि वानखेड़े पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। पटोले ने नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, केंद्रीय जांच एजेंसियों का लगातार गलत तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस का यह स्पष्ट मत है। आर्यन खान के मामले में भी कांग्रेस का यह मानना रहा है। मैं आपसे साफ कहता हूँ, समीर वानखेड़े पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। ये आने वाले वक्त में साबित हो जाएगा। मलिक की ओर से एनसीबी के खिलाफ कार्यवाही की उठी मांग। इसी मुद्दे पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल के बंद मंत्री नवाब मलिक के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके सवाल किया गया कि अब जबकि आर्यन खान और अन्य पांच को क्लीन चिट मिल गई है, तो क्या एनसीबी समीर वानखेड़े, उनकी टीम और प्राइवेट आर्मी के खिलाफ कार्यवाही करेगी या इन अपराधियों का बचाव करेगी। मूसेवाला की हत्या से सदमे में बॉलीवुड। अजय देवगन, कंगना रनौत, कपिल शर्मा और दिलजीत सिंह दोजांस ने जताया दुख। पंजाब में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। पंजाबी सिंगर सिंधु मूसेवाला की रविवार को दिन दहाड़े हत्या होने से बॉलीवुड और संगीत जगत स्तब्ध रह गया है। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन, कंगना रनौत, जरीन खान, शरद केलकर, कॉमेडियन कपिल शर्मा, गायिका हर्षदीप कौर के अलावा पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के दिलजीत दोजांस, बब्बू मान, एमी विर्क आदि ने मूसेवाला के मर्डर पर शोक जताया। मानसा के जवहरे के गांव में जिस तरह AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग करके सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई, उसके बाद नेवी सिद्धू समेत कई कलाकारों ने तो पंजाब की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। सिद्धू मूसेवाला महज 28 वर्ष के थे। उम्र में पंजाबी संगीत इंडस्ट्री के टॉप पर पहुंच गए थे। पंजाब और पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी उनकी काफी फैन फॉलोइंग थी। ऐसे में उनकी हत्या ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को झिझोड़ कर रख दिया है। विधायकों का इनकम टैक्स भर रही सरकार, जनता की जेब से टैक्स चुका रहे 7 राज्य, सिर्फ यूपी और हिमाचल ने रोक लगाई। देश में सांसद और विधायकों के वेतन भत्तों पर कई बार बहस होती रही है, मगर एक मुद्दा काफी राष्ट्रीय पटल पर नहीं आया। देश में अभी भी 7 राज्य ऐसे जो किसी न किसी रूप में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों का सिर्फ वेतन ही नहीं, इस वेतन पर बनने वाला इनकम टैक्स भी सरकारी खजाने से चुका रहे हैं। पहले ऐसे राज्यों की संख्या 9 थी, लेकिन 2019 में यूपी और 2022 में हिमाचल ने व्यवस्था बदली। लोकसभा के पूर्व महासचिव PDT आचार्य कहते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आय उनकी व्यक्तिगत आय है, इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायक के पद पर मिलने वाली उनका वेतन भी शामिल है। अपने निजी आय पर टैक्स भरने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत होती है, इसे सरकारी खजाने से अदा नहीं किया जा सकता। यदि किसी भी पद पर असीम व्यक्ति का आयकर सरकारी खजाने से भरा जा रहा है, तो यह कानून और संविधान के खिलाफ है। आज की खबरों को यही विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।